हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। हम क्लास 11th केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा चैप्टर इक्विलिब्रियम चल रहा है ना। पिछले भाग में हमने क्वेश्चंस किए थे आपके एपी केसी से रिलेटेड, है ना, कि आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालनी हो, आपको कंसंट्रेशन दी होगी या आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया होगा, आपको कंसंट्रेशन निकालनी होगी, आपके पास केसी दिया है, आपको केपी निकालना है, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में आपके पास क्वेश्चंस हो सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आज हमने क्वेश्चंस की बात की थी पिछले भाग में। आज हम वहीं से अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, है ना। कौन कौन से फैक्टर है जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं और फैक्टर्स में क्या क्या चीजें आती है। आपको पता है कि इक्विलिब्रियम का मींस जब दोनों तरफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आपका क्या हो, दोनों इक्वल हो, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जब बराबर हो जाए, जितना आगे को फॉरवर्ड की तरफ रिएक्शन हो रही है उतना ही बैकवर्ड हो रही, तो जब दोनों सेम होता है तो उसे हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जैसे आप सी सॉ में देखते हैं कि जब दोनों तरफ सेम वेट के पर्सन हो तो वो बैलेंस रहता है, लेकिन हम क्या कर दे अगर एक तरफ वेट बढ़ा दे, है ना, तो दूसरी तरफ गड़बड़ हो जाता है। तो कई सारे फैक्टर्स है, जैसे कंसंट्रेशन के बारे में हम बात करेंगे, कंसंट्रेशन को कम ज्यादा करने पे क्या इफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम में, प्रेशर का इफेक्ट इक्विलिब्रियम में क्या पड़ता है, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है, कैटलिस्ट के आने से इक्विलिब्रियम को क्या इफेक्ट होता है, ठीक है ना, और आपका इनर्ट मटेरियल अगर हम ऐड कर दे तो इक्विलिब्रियम में क्या इफेक्ट आता है और कैसे वापस हम इक्विलिब्रियम को वापस अटेन करते हैं। तो यही सारे फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे, तो उसको समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो चलिए आज हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम की। फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रिया फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो क्या है फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम में, कि हमने जैसे आपको बताया इससे रिलेटेड, ठीक है ना, जैसे कि सपोज हमारे पास क्या है, हमारे पास एग्जांपल के लिए N2 और H2 है, N2 प्लस 3H2, हेवर प्रोसेस बोलते हैं इसको, क्या बनता है 2NH3, है ना, ये क्या है हेवर प्रोसेस। हेवर प्रोसेस किसके लिए इस्तेमाल होता है, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, इसके बारे में आप पढ़ेंगे क्लास 12th में बी ब्लॉक ग्रुप 15 के अंदर, ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया में हम बात करते हैं हेवर प्रोसेस की। ये इक्विलिब्रियम में प्रोसेस है, डबल साइडेड एरोस पे लगा है। अब हम क्या करें, या तो रिएक्टेंट साइड, ये आपके पास हो गए रिएक्टेंट और ये हो गया आपके पास प्रोडक्ट, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, या तो आप रिएक्टेंट साइड क्या कर दे, रिएक्टेंट साइड आप कुछ कम या ज्यादा कर दे। अब कम या ज्यादा हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, हम कंसंट्रेशन को कर सकते हैं, ठीक है ना, प्रेशर कर सकते हैं, ठीक है ना, या टेम्परेचर कर सकते हैं। उससे क्या होगा, ये जो इक्विलिब्रियम है इसको क्या होगी, डिस्टरबेंस होगी, है ना, इक्विलिब्रियम में क्या होगी, डिस्टरबेंस होगी। या फिर हम ये सेम चीजें प्रोडक्ट साइड कर दे, कम या ज्यादा हम प्रोडक्ट साइड ये चीजें करें, वहां पे भी डिस्टरबेंस होगी, जब डिस्टरबेंस होगी इक्विलिब्रियम को तो गड़बड़ा जाएगा, यानी एक तरफ कम हो जाएगा एक तरफ ज्यादा हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, दोनों तरफ सेम चीजें हो, ठीक, तो ये होता है, इसको हम बोलते हैं कि भाई इस तरीके से चीजें होती है। तो इसके लिए कौन आए, ली चैटरेल आए, जिन्होंने हमको इनके बारे में बताया, है ना, ली चैटरेल। तो हम बात करते हैं पहले ली चैटरेल प्रिंसिपल, ठीक है, ली चैटरेल्स प्रिंसिपल। ली चैटरेल प्रिंसिपल, अब ली चैटरेल प्रिंसिपल है क्या, क्या कहा ली चैटरेल प्रिंसिपल ने, ली चैटरेल प्रिंसिपल ने कहा, इट स्टेट्स दैट
चेंज इन एनी अ चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर, चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर, चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर दैट डिटरमाइन दैट डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंडीशंस दैट डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंडीशंस ऑफ अ सिस्टम, इक्विलिब्रियम कंडीशंस ऑफ अ सिस्टम, इक्विलिब्रियम कंडीशंस ऑफ अ सिस्टम, ठीक है, विल कॉज द सिस्टम, विल कॉज दिस सिस्टम, विल कॉज दिस सिस्टम टू चेंज इन सच अ मैनर, टू चेंज इन सच अ मैनर टू चेंज, ठीक है ना, विल कॉज द सिस्टम टू चेंज इन सच अ मैनर टू चेंज इन सच अ मैनर टू चेंज इन सच अ मैनर, ठीक है, एज टू रिड्यूस, सो एज टू रिड्यूस, सो एज टू रिड्यूस और टू काउंटरैक्ट, और टू काउंटर एक्ट, ठीक है, द इफेक्ट ऑफ चेंज, काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ चेंज, और टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ चेंज, द इफेक्ट ऑफ चेंज, ठीक है, ये ली चैटल ने कहा, ली चैटल ने कहा कि अगर आप क्या करते हैं उन इक्विलिब्रियम कंडीशंस में चेंज लेके आते हैं जो सिस्टम को क्या करती है, जो सिस्टम जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस का मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस है जो उसको इक्विलिब्रियम में लेके आई, अगर आप उसमें चेंज करते हैं तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम इस तरीके से खुद को चेंज करेगा कि वो उस जो आपने चेंज किया था उसको काउंटरैक्ट करेगा, ठीक है ना, काउंटरैक्ट करेगा। सपोज जैसे कि आपके पास सी सॉ है, आपके पास क्या है, सपोज जैसे सी सॉ है और इस सी सॉ में इधर क्या था, इधर 20 किलो वेट था, इधर भी क्या था 20 किलो वेट था, है ना, दोनों तरफ क्या है 20 किलो वेट, सपोज ये इक्विलिब्रियम है, दोनों तरफ 20 किलो वेट में इक्विलिब्रियम में है ये। अब हमने क्या कहा, ये कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, हमने किसी एक कंडीशन को गड़बड़ कर दिया, हमने इसमें 5 किलो वेट और डाल दिया, हमने इसमें क्या कर दिया 5 किलो वेट और डाल दिया, तो 5 किलो वेट डालने से इधर इक्विलिब्रियम में क्या हो गया, डिस्टरबेंस हो गया, इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टरबेंस हो जाएगा, है ना, तो इक्विलिब्रियम किधर को जाएगा, जो शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम का वो आगे की तरफ हो जाएगा, वो चाहेगा कि इधर भी क्या आ जाए 5 किलो वेट आ जाए, है ना, इधर भी 5 किलो वेट वापस से दोनों बराबर हो जाए, तो काउंटर एक्ट करेगा चेंज को, क्या करेगा चेंज को काउंटरैक्ट करेगा, तो ये ली चैटरेल ने कहा था। बेसिकली ली चैटरेल की स्टेटमेंट आप वापस से पढ़िए, इट स्टेट दैट अ चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर दैट डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ अ सिस्टम, है ना, चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर दैट डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंडीशंस, है ना, वो फैक्टर जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस को डिटरमाइन करते हैं विल कॉज द सिस्टम टू चेंज इन सच अ मैनर सो एज टू रिड्यूस और टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ चेंज, ये ली चैटरेल ने कहा। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिन पे ये चीजें होती है उन सब की बात करेंगे हम, तो सबसे पहला जो फैक्टर है हमारे पास वो है चेंज इन कंसंट्रेशन, है ना, सबसे पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, सबसे पहला फैक्टर है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन क्या है, क्या इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट है, कि सपोज हमारे पास ये कोई रिएक्शन है N2 प्लस 3H2,
ठीक है, रिवर्सिबल टू एन एच थ्री, ये हमारे पास हेबर प्रोसेस की रिएक्शन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है ना, हेबर प्रोसेस की रिएक्शन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अब हम कंसंट्रेशन में क्या क्या चेंज कर सकते हैं, है ना, हम क्या चेंज कर सकते हैं कंसंट्रेशन में, हम ऐसा चेंज कर सकते हैं कि मैं एन टू की कंसंट्रेशन बढ़ा दू, मैं क्या कर दू एन टू की कंसंट्रेशन मैंने बढ़ा दी, या मैंने एच टू की कंसंट्रेशन बढ़ा दी। अब एन टू या एच टू की कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या हुआ, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई और अमोनिया कम है। अभी इक्विलिब्रियम में था, जितना एन टू और एच टू टूट के अमोनिया बना रहे थे उतना ही अमोनिया वापस से टूट के, सॉरी जितना एन टू और एच टू मिलकर अमोनिया बना रहे थे उतना ही अमोनिया टूट के वापस एन टू एच टू में आ रहा था, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन थी। अभी मैंने एन टू और एच टू ज्यादा डाल दिया, है ना, कंसंट्रेशन मैंने बढ़ा दी एन टू एच टू की, तो मैंने देखा कि अभी इधर तो एन टू एच टू ज्यादा हो गया लेकिन उधर एन एच थ्री कम है, तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, खुद को इस तरह के शिफ्ट करेगा कि वापस से वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो यहाँ पे जो शिफ्ट होगी ऐसा करने पे, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपने बढ़ाई तो अब इक्विलिब्रियम किधर को शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, किधर हो जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट। हमने ये तो कहा काउंटर एक्ट करेगा ना उस चेंज को, ये आपका चेंज है, चेंज क्या है, एन टू और एस टू की कंसंट्रेशन बढ़ाना, यही चेंज है। अब उसका काउंटर एक्ट क्या होगा कि जो रिएक्शन है वो आगे को जाएगी, अभी जितना एन टू एस टू आपने डाला वो जल्दी से टूट के वापस से अमोनिया बना देगा, तो वापस से आप दोनों तरफ सेम हो जाएगा, हम बोलेंगे फॉरवर्ड शिफ्ट है ना, हम बोलेंगे फॉरवर्ड शिफ्ट है। अब क्या कर सकते हैं हम चेंज, सपोज मैं क्या करूं, इधर हमने क्या कर दिया एन एस थ्री की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, एनएस थ्री क्या हो गया ज्यादा बन रहा है, एनएस थ्री जो अमोनिया है वो ज्यादा बन रहा है, तो इसका जो शिफ्ट होगा, अब एनएस थ्री जब ज्यादा हो गया और इधर एन टू एस टू कम हो गए तो ये क्या करेगा, वापस से चेंज हमने क्या करा, अमोनिया ज्यादा हो गया इधर एन टू एस टू कम हो गया, तो अमोनिया वापस से जल्दी से टूट के वापस से एन टू एस टू बना देगा, तो किधर को जाएगी रिएक्शन, पीछे को जाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, है ना, सेम आपने ये करा। अब इसमें और क्या चेंज कर सकता हूं मैं, इसमें हम ये चेंज कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं N2 की कंसंट्रेशन कम कर दे, H2 की कंसंट्रेशन कम कर दे। अब N2 H2 की कंसंट्रेशन हमने कम करी, N2 H2 की कंसंट्रेशन कम कर दी, उधर अमोनिया बना हुआ ज्यादा, तो क्या होगा, क्या शिफ्ट होगा, जो अमोनिया बना था वो जल्दी से टूट के वापस से N2 H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से जब भी इक्विलिब्रियम में चेंज आएगा तो उसका काउंटरैक्ट करने के लिए वो कुछ ना कुछ करेगा, तो ये इफेक्ट होता है मेनली कंसंट्रेशन का, ठीक है ना, कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है, मेनली ये इफेक्ट होता है। आइए बात समझ में आपको किस तरीके से है, चलिए दूसरा इफेक्ट है बच्चों, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दूसरा इफेक्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर के लिए पहले एक रूल है हमारे पास, उसको आप जान लीजिए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर के लिए क्या रूल है, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करें, प्रेशर को इंक्रीज करें, है ना, ये क्या है, चेंज है, रूल क्या है, अगर आपने क्या चेंज करा, चेंज आपने करा, आपने प्रेशर को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, है ना, प्रेशर को बढ़ा दिया, तो उसका काउंटर एक्ट क्या होगा, उसका काउंटर एक्ट करेगी इक्विलिब्रियम, उसका काउंटर एक्ट करेगी, तो काउंटर एक्ट क्या होगा उसका, कि जो इक्विलिब्रियम होगी शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन विच कंटेन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ मोल्स, इक्विलिब्रियम उधर को जाएगी जहां कम नंबर ऑफ मोल्स है ना, और हम क्या करें, चेंज क्या करें, प्रेशर को डिक्रीज कर दे, प्रेशर हमने कम कर दिया, तो इसका काउंटर एक्ट क्या होगा, काउंटर एक्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम
shift in that direction equilibrium shift in that direction which contain more number of moles. ठीक है, मोर विच कंटेन मोर नंबर ऑफ मोल्स. तो ये दो रूल है आपके पास, मतलब चेंज बढ़ाया प्रेशर रिएक्शन कहाँ जाएगी, उधर जाएगी जहाँ लेसर नंबर ऑफ मोल्स है, और कम करने पे उधर जाएगी जहाँ मोर नंबर ऑफ मोल्स है. ठीक है ना, इक्वेशन के माध्यम से हम समझते हैं कि सपोज हमारे पास ये है H2 प्लस I2 N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3. ये हमारे पास रिएक्शन है. अब मैंने क्या चेंज किया, चेंज हमने करा प्रेशर को, मैंने बढ़ा दिया प्रेशर, मैंने इंक्रीज कर दिया, तो काउंटर एक्ट क्या होगा इसका, काउंटर एक्ट क्या होगा, रिएक्शन कहाँ जाएगी. अब देखो प्रेशर को मैंने बढ़ाया है ना, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, उधर जा रही है जहाँ नंबर ऑफ मोल्स क्या है, बढ़ाने पे कहाँ जाएगी, ये रूल देखो आप पीछे, बढ़ाने पे कहाँ जाएगी, जहाँ नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कम है. प्रेशर बढ़ा, ये तो लिखा है प्रेशर बढ़ाने पे नंबर ऑफ मोल्स जहाँ कम है उधर जाएगी, किधर नंबर ऑफ मोल्स कम है, देखो नंबर ऑफ मोल्स किधर कम है ना. आप देख रहे रिएक्टेंट साइड कितने हैं, दो हैं, और प्रोडक्ट साइड कितने हैं, सॉरी रिएक्टेंट साइड तीन और एक चार है, इधर आपके पास टोटल चार है, और इधर कितने हैं, दो हैं. तो कहाँ है नंबर ऑफ मोल्स कम, किधर है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड कम है, यानी फॉरवर्ड की तरफ कम है, तो हम बोलेंगे फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड शिफ्ट. तो इक्विलिब्रियम किधर को शिफ्ट करेगा, आगे को करेगा, फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा. ठीक है ना, और इसी में मैं क्या कर दूं चेंज, मैं प्रेशर डिक्रीज कर दिया, प्रेशर डिक्रीज करने पे काउंटर एक्ट क्या होगा इसका, काउंटर एक्ट होगा कि रिएक्शन उधर जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, तो चार की तरफ जाएगी, यानी बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट. आई बात समझ में आपको क्या हो रहा है. तो ये था आपके पास प्रेशर का इफेक्ट, कि भाई प्रेशर का इफेक्ट किस तरीके से होता है. ठीक है, अब इसी में अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, सेम हो, जैसे हमारे पास ये है H2 प्लस I2 रिवर्सिबल 2HI. अब देखो यहां भी कितने नंबर ऑफ मोल्स है, दो हैं, इधर भी नंबर ऑफ मोल्स दो हैं, इधर एक और एक, इधर भी क्या है, दो है. तो हमने क्या करा चेंज, चेंज हमने करा प्रेशर बढ़ा दिया हमने, किधर शिफ्ट हो रही थी, जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या थे, नंबर ऑफ मोल्स जहां ज्यादा जहां कम है उधर शिफ्ट होगी, लेकिन यहां तो दोनों की तरफ क्या है, दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ज्यादा है, तो इक्विलिब्रियम में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नो इफेक्ट. प्रेशर को चेंज होने से, प्रेशर को बढ़ाने से इक्विलिब्रियम में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम है. ठीक है ना, चलिए अगला देखें, थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड है इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा. अब टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है उसकी हम बात करते हैं. पहले हम लिख ले दो तरीके से, अगर आपके पास क्या हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, सबसे पहले अगर आपके पास क्या हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है आपको पता ही, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हुई है, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब हमने क्या करा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमारे पास ये रिएक्शन है ए प्लस बी रिवर्सिबल सी प्लस डी, ये हमारे पास रिएक्शन है. ठीक है ना, हीट रिलीज हो रही है. अब मैंने क्या करा चेंज, दो तरीके की चेंज हो सकते हैं इसमें, टेम्परेचर बढ़ा दो या घटा दो.
पहले हमने क्या चेंज करा, टेम्परेचर बढ़ाया, क्या करा, टेम्परेचर इंक्रीज करा, तो इसका काउंटर एक्ट क्या होगा, ठीक है ना। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ध्यान से समझिएगा आप, एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज हो रही है, क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक का मतलब हीट रिलीज हो रही है ना, हीट यहां से निकली होगी तो एक्सोथर्मिक हुआ। अच्छा, कहने का मतलब कि सपोज आपके पास ऐसे रिएक्शन है ए प्लस बी, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस डेल्टा एच, है ना। अब ये प्लस डेल्टा एच कैसे आया होगा, जब इधर रहा होगा ए प्लस बी माइनस डेल्टा एच, माइनस डेल्टा एच उधर जाके प्लस बना होगा। अब माइनस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ए प्लस बी माइनस का मतलब यहाँ से हीट निकली है, ए प्लस बी के साइड से क्या हुआ, हीट निकली होगी ना, ए प्लस बी के साइड से क्या निकली होगी, हीट निकली होगी, तो यहाँ पे माइनस डेल्टा एच आया, ऊपर जाके वो डेल्टा एच बना था, है ना। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज हुई है। अब आप क्या करिए, इसमें चेंज टेम्परेचर को बढ़ाएं, क्या करें, टेम्परेचर को आप क्या करो, इंक्रीज करो, है ना, टेम्परेचर क्या कर दो आप, इंक्रीज करो। अब आप देख रहे हो पहले यहां से हीट रिलीज हो रही है ना, जब हीट रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, समझ रहे हैं आप। एक्सोथर्मिक में क्या होती है, हीट रिलीज हो रही है, यानी सिस्टम ने क्या किया, हीट अपने से बाहर फेंकी, तब जाके वो इक्विलिब्रियम में आया। अब आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, आपने इस तरफ टेम्परेचर बढ़ा दिया, यानी पहले तो हीट निकल रही है, आप उसको और हीट दे रहे हो, आप उसको क्या कर दो, और हीट दे रहे हो, है ना। तो इसका काउंटर एक्ट क्या होगा, काउंटर एक्ट ये होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे आपका जो रिएक्शन है किधर को जाएगी, पीछे को जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। टेम्परेचर क्या जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, किधर होगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। आपको टेम्परेचर आपने बढ़ा रहे हैं, एक्सोथर्मिक में आप क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो किधर को शिफ्ट होना चाहिए, इसको बैकवर्ड शिफ्ट होना चाहिए, ठीक है ना, एक्सोथर्मिक में बैकवर्ड शिफ्ट होना चाहिए। आई बात समझ में, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास बैकवर्ड शिफ्ट। अब इसी का आप क्या कर दें, इसी में चेंज क्या करें, इसी में हम चेंज कर दें टेम्परेचर को, डिक्रीज कर दें टेम्परेचर को, क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, है ना। अब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, इसका काउंटर एक्ट क्या होगा, किधर जाएगी है? ये फॉरवर्ड की तरफ जाएगी, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, है ना, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा ना, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ए प्लस बी है, ए प्लस बी से आप क्या कर रहे हो, ए प्लस बी से हीट बाहर जा रही है, ए प्लस बी से क्या जा रही है बच्चों, हीट बाहर जा रही है, ए प्लस बी से हीट बाहर जा रही है। अब ए प्लस बी से क्या, जब ए प्लस बी से जब हीट बाहर को जाएगी, तो हीट बाहर को जाने का मतलब हीट बाहर जा रही, तब वो क्या आ रहा है, हीट बाहर जाने से वो इक्विलिब्रियम में आ रहा है। अब आपने क्या कर दिया, उसका टेम्परेचर और कम कर दिया, आपने क्या कर दिया, उसका टेम्परेचर और कम कर दिया, किधर को जाएगी, वो आगे की तरफ जाएगी, ताकि इक्विलिब्रियम में आ जाए रिएक्शन, है ना, आगे की तरफ, तो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है ना, तो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी इसमें। तो ये तो रहा एक्सोथर्मिक के रिएक्शन में, जब हीट क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है ना। अब बात करें हम एंडोथर्मिक की, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, एंडोथर्मिक आपके पास क्या है, ए प्लस बी रिवर्सिबल सी प्लस डी माइनस डेल्टा एच। अब यहाँ पे माइनस डेल्टा एच का मतलब कि ऐसे रहा होगा, ए प्लस बी प्लस डेल्टा एच, ए प्लस बी प्लस डेल्टा एच और सी प्लस डी, ये जब इधर प्लस रहा होगा तभी उधर जाके माइनस, प्लस का मतलब हीट आप दे रहे हो, एंडोथर्मिक का मतलब हीट गिवन, आप सिस्टम को क्या दे रहे हो, हीट दे रहे हो, हीट गिवन, है ना, हीट गिवन। तो हमने क्या चेंज करा, हम क्या चेंज लेके आए, हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर इंक्रीज करा, काउंटर एक्ट क्या होगा,
हमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से काउंटर एक्ट क्या होगा, ए प्लस बी को आपने क्या दे रहे हो, ए प्लस बी में आप हीट दे रहे हो, ए प्लस बी में आप क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो, और हीट देने से क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम में आ रही कंडीशन, आपको हीट दे रहे हो तब इक्विलिब्रियम में आ रही, अब आप उसको और ज्यादा हीट दे रहे हो, तो और ज्यादा हीट देने से इधर ज्यादा रिएक्टेंट के साइड ज्यादा, प्रोडक्ट के साथ क्या हो जाएगा, कम, समझ रहे हो आप, ए प्लस बी, ए प्लस बी की तरफ आपने क्या करा, ए प्लस बी में हीट, ए प्लस बी में क्या हो रही है, ए प्लस बी हीट मिल रही है उसको, तब जाके वो इक्विलिब्रियम में आ रहा है सी प्लस डी के साथ। अब आप उसको और टेम्परेचर आपने बढ़ाया ना, यहाँ पे चेंज क्या करा आपने, टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने, और ज्यादा उसको हीट दे दी, और ज्यादा हीट वो क्या करेगा, आगे को फेंकेगा सी प्लस डी की तरफ, यानी बैकवर्ड जाएगा ताकि, सॉरी फॉरवर्ड जाएगा ताकि इक्विलिब्रियम वापस से अटेन करे, तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसी में मैं क्या कर दूं, चेंज टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया हमने, टेम्परेचर क्या कर दिया, कम कर दिया, अब टेम्परेचर कम कर दिया तो क्या काउंटर एक्ट होगा इसका, अब ए प्लस बी के तरफ हीट मिलने पे वो इक्विलिब्रियम में आ रहा सी प्लस डी के साथ, आपने टेम्परेचर को कम कर दिया, क्या कर दिया आपने, टेम्परेचर को कम कर दिया, तो किस तरफ जाएगी रिएक्शन, क्योंकि भाई आप टेम्परेचर कम कर रहे हो, आप ए प्लस बी को जब हीट मिली तो वो सी प्लस डी के साथ इक्विलिब्रियम में, अब आपने इस तरफ टेम्परेचर कम कर दिया है ना, उससे उसकी हीट छीन ली, कम कर दिया, तो किधर को जाएगी वो, बैकवर्ड जाएगी ताकि उसे और हीट मिले तब वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो काउंटर एक्ट क्या होगा इसका, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्या काउंटर एक्ट होगा, बैकवर्ड शिफ्ट, आई बात समझ में, तो ये बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा इसका काउंटर एक्ट, ठीक है ना। इस तरीके से ये क्या करता है, काम करता है दोनों में, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में, आपने देखा कि एंडोथर्मिक में कैसे कर रहा है, एक्सोथर्मिक में कैसे कर रहा है, ठीक है। तो तीन चेंज आपने आज पढ़े, कौन कौन से, एक आपने कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन आपने देखा क्या होता है, कंसंट्रेशन आप अगर बढ़ाओ तो किस तरफ शिफ्ट होगा, घटाओ तो किस तरफ शिफ्ट होगा, है ना। दूसरा आपने प्रेशर के बारे में पढ़ा कि प्रेशर को बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम किधर जाता है, घटाने पे किधर जाता है। फिर हमने टेम्परेचर के बारे में बात करी, टेम्परेचर में भी दो तरीके से होती है, एक्सोथर्मिक होती है और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में आप हीट छीनते हैं रिएक्शन से, हीट बाहर निकलती है रिएक्शन से, एंडो में हीट मिलती है रिएक्शन को, है ना। तो ये तीन करें, इन तीन के बेसिस पे हम एक दो क्वेश्चन करते हैं। एक आपके पास क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गेट अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, ऑल्सो मैंशन वेदर चेंज विल कॉज द रिएक्शन टू गो इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन। कुछ आपको रिएक्शन दी है उनके, वो लिखता हूँ मैं, आपके पास ये रिएक्शन है CO Cl2 गैसियस रिवर्सिबल, CO गैसियस प्लस Cl2 गैसियस, है ना। आपको ये बोला है इन रिएक्शन में क्या इफेक्ट होगा, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर को बढ़ा के, प्रेशर बढ़ा के क्या इफेक्ट होगा, और ये भी मेंशन करो कि चेंज वेदर चेंज विल कॉज द रिएक्शन टू गो इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड, है ना। और चेंज क्या करेगा, उसको फॉरवर्ड की तरफ भेजेगा या बैकवर्ड की तरफ भेजेगा। तो हमने क्या चेंज करा इसमें, आपको बोला प्रेशर बढ़ा दो, तो इसका काउंटर एक्ट क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने पे किधर जाती है रिएक्शन, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, प्रेशर बढ़ाने पे नंबर ऑफ मोल जहां कम हो वहां जाएगी रिएक्शन। आप देख रहे हैं प्रोडक्ट के साइड कितने, एक इधर है एक इधर है, दो नंबर ऑफ मोल्स है, इधर एक ही नंबर ऑफ मोल्स है, तो किधर जाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा इसमें, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास बैकवर्ड शिफ्ट। इस तरीके से आप ये रिएक्शन बता सकते हो। इसी तरीके से एक और हमारे पास जैसे रिएक्शन है, दूसरी रिएक्शन हो गई आपके पास 2H2 गैसियस प्लस CO गैसियस रिवर्सिबल CH3OH गैसियस। ये आपके पास है ना, प्रेशर आपने बढ़ाया, इसमें भी क्या चेंज करा आपने, प्रेशर चेंज कर, प्रेशर को हम इंक्रीज कर रहे हैं, किधर जाएगी, जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम है, देखो यहाँ दो और एक तीन है, यहाँ एक ही है, तो किधर शिफ्ट होगा, आपका फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, काउंटरैक्ट इसमें हो जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से इनके बेसिस पे ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन हम कल करेंगे।
तो इस तरीके से बच्चों आज आपने इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम देखे कि किस तरीके से इफेक्ट होते हैं इक्विलिब्रियम में, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर से रिलेटेड, है ना। ली चैटरल प्रिंसिपल क्या कहता है, ये सारी बातें हमने जानी, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आज ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।